जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महादेवी जो वर्मा हैं, उनके जीवन परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में क्रमबद्ध रूप से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने जयशंकर प्रसाद को पढ़ा, छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी के जीवन के बारे में हमने उनके पूरा जन्म के बारे में पढ़ा, उनकी जो रचनाएं थी उनकी क्रमबद्ध सारी रचनाओं के बारे में पढ़ा, महाकाव्य के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो मैंने क्रमबद्ध बताया उनके लिए। आपके नेट एग्जाम में, पीजीटी एग्जाम में क्रमबद्ध रचनाएं पूछी जाती हैं, तो मैंने ये सीरीज चालू की है। हर कवि की जो रचनाएं, नाटक, निबंध जो भी इन्होंने रचित किए हैं उनके हम क्रमबद्ध यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। ये दूसरा वीडियो है महादेवी वर्मा का, इसके बाद निराला और सुमित्रा नंदन पंत जी के इसी प्रकार से वीडियो आती रहेंगे। दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में बहुत सारे तथ्य पूछे जाते हैं, हमेशा इनकी रचनाओं के बारे में पूछे जाते हैं। महादेवी वर्मा जी की अगर जन्म की बात करें हम, तो 26 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, इनका फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ, और इनकी जो मृत्यु हुई 11 सितंबर 1987 को, कहां पर? इलाहाबाद में। ठीक है, तो ये तथ्य आपको याद रख लेना है। ठीक है, हमने जयशंकर प्रसाद के जन्म के बारे में पढ़ा, उनका जन्म आपको याद रखना है, फिर महादेवी वर्मा। इसके बाद मैं एक वीडियो बना दूंगा कि जयशंकर प्रसाद क्रमबद्ध, जैसे कवियों को भी क्रमबद्ध पूछा जाता है कि निम्न में से कवियों को क्रमबद्ध करिए, यहाँ पर महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, ये चार कवि दे दिए जाते हैं। अब इनको जन्म के आधार पर आपको क्रमबद्ध करना होता है, तो इनका जन्म अगर आपको आता है तो आप क्रमबद्ध इनको कर सकते हैं। तो मैं उसका भी वीडियो एक अलग से बनाऊंगा, हमारे जितने भी 8-10 वीडियो हो जाएं उनके फिर जन्म से क्रमबद्ध जो भी रचनाएं होंगी उनका वीडियो बना दूंगा। तो ये क्रमबद्ध जो सीरीज है वो चल रही है। ठीक है, और पूरी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, वो भी आप देखें। 1932 में उन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका जो थी चांद, उसका कार्यभार संभाला महादेवी जी ने, कब? 1932 में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार महादेवी वर्मा जी ने कब संभाला? तो 1932 में संभाला, ये आपको याद रखना है। 1930 में नेहार, 1932 में रश्मि, 34 में नीरजा और 36 में सांदगीत नामक उनके चार कविता संग्रह जो है प्रकाशित हुए। तो इनके जो सन है उनको याद रख लेना है, नेहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत, एक क्रम से आपको याद रखना है ना। 1939 में इन चारों काव्य संग्रहों को उनकी कलाकृतियों के साथ बृहदाकार में जो है यामा शीर्षक से प्रकाशित किया गया, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों, जो यहाँ पर 1939 दिया है, यामा का जो प्रकाशन काल माना जाता है वो 36 माना जाता है। ठीक है, 1936, कहीं कहीं पर इसका 1939 भी दिया है और कहीं कहीं पर 40 भी दिया है, किसी किसी पर 36 माना जाता है यामा का। यामा के लिए महादेवी वर्मा को आपको पता होगा 1982 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और हिंदी में बात करें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो अंतिम किसी रचना के लिए मिला है तो वो यामा के लिए मिला है, और यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की है, और इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। उन्होंने गद्य काव्य शिक्षा और चित्रकला सभी क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए। किसने? महादेवी वर्मा जी ने। इसके अतिरिक्त उनकी 18 काव्य और गद्य कृतियां हैं, जिनमें मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां और अतीत के चलचित्र, ये प्रमुख हैं। इनको याद रख लेना है। सन 1955 में महादेवी जी ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की, और इलाचंद जोशी के सहयोग से साहित्यकार का इन्होंने संपादन संभाला। ये साहित्यकार जो पत्रिका थी, तो इसे क्या कहते हैं, संस्था का मुखपत्र थी। ठीक है, साहित्यकार जो था संस्था का मुखपत्र था, और इन्होंने भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव भी किसने रखी है? तो वो महादेवी वर्मा जी ने रखी, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार पहला अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 15 अप्रैल 1933 में सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में महिला विद्यापीठ में संपन्न हुआ। वे हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की प्रवर्तिका भी कही जाती हैं। महादेवी बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थीं। महात्मा गांधी के प्रभाव से उन्होंने जनसेवा का व्रत लेकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, और 1936 में नैनीताल में 25 किलोमीटर दूर रामगढ़ कस्बे के उमागढ़ नामक गांव में महादेवी वर्मा ने एक बंगला बनवाया, जिनका नाम उन्होंने मीरा मंदिर रखा था।
जितने दिन वे वहां रहीं, इस छोटे से गांव की शिक्षा और विकास के लिए काम करती रहीं, विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने बहुत काम किया। आजकल इस बंगले को महादेवी साहित्य संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। श्रृंखला की कड़ियां में स्त्रियों की मुक्ति और विकास के लिए उन्होंने जिस साहस व दृढ़ता से आवाज उठाई और जिस प्रकार सामाजिक रूढ़ियों की निंदा की, उससे उन्हें महिला मुक्तिवादी भी कहा जाता है। उनके संपूर्ण गद्य साहित्य में पीड़ा या वेदना के कहीं दर्शन नहीं होते, बल्कि अदम्य रचनात्मक रोष, समाज में बदलाव की अदम्य आकांक्षा और विकास के प्रति सहज लगाव परिलक्षित होता है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में बिताया। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में रात में 9:30 पर उनका देहांत हो गया। इनकी काव्य कृतियां हम देख लेते हैं जो कि क्रमबद्ध हैं। निहार का जो रचना काल 1930 माना जाता है, रश्मि का 1932 और नीरजा 1934, सांदगीत 1936 इनका रचना काल माना जाता है, दीपशिखा 1942। दोस्तों इनको याद रखें तो सबसे पहले क्या होता है, निहार होता है, फिर रश्मि आती है, फिर नीरजा और सांदगीत, संध्या को हम गीत गाते हैं और फिर क्या जलाते हैं, दीप जलाते हैं। तो ये बिल्कुल क्रम से हैं, है ना, इनको अगर आप याद रखें तो याद हो जाएंगे महादेवी जी की। और फिर दीप जलाते हैं तो दीपशिखा, सप्तपर्णा ये अनुदित है, ठीक है, प्रथम आयाम 1974 और अग्निरेखा 1990 इसका जो है प्रकाशन काल माना जाता है। नेक्स्ट बात करें, श्रीमती महादेवी वर्मा के अन्य अनेक काव्य संकलन भी प्रकाशित हैं, जिनमें उपर्युक्त रचनाओं में से चुने हुए गीत संकलित किए गए हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा के अन्य काव्य संकलन इस प्रकार से प्रकाशित हैं, देखें, आत्मिका, परिक्रमा, संधिनी, यामा, गीत पर्व, दीपशिखा, स्मारिका, नीलांबरा और आधुनिक कवि। महादेवी जी के गद्य साहित्य की बात करें, महादेवी के जो रेखा चित्र हैं उनके बात में बात करें तो अतीत के चलचित्र इनका रेखा चित्र है 1941, स्मृति की रेखा 1943, ठीक है, संस्मरण में पथ के साथी 1956, मेरा परिवार 1972 और संस्मरण 1983, चुने हुए भाषणों का संकलन संभाषण 1974, निबंध श्रृंखला की कड़ियां ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1942, विवेचनात्मक गद्य 1942, साहित्यकार की आस्था तथा निबंध 1962 ये माने जाएंगे और संकल्पिता 1969। ललित निबंध की बात करें तो छड़दा 1956 इसका काल माना गया, इनकी एक कहानी है गिल्लू, संस्मरण रेखाचित्र निबंधों का संग्रह हिमालय 1963 में प्रकाशित हुआ। महादेवी वर्मा का बाल साहित्य, महादेवी वर्मा की बाल कविताओं के दो संकलन छपे हैं, एक तो ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, ठीक है, इनको हमने देखा और एक बार और हम इनकी रचनाओं को देख लेते हैं, इनकी कहानियों को देख लेते हैं। इनका जो सन है उसमें अगर आपको कहीं कंफ्यूजन लगता है तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि पुस्तकों और नेट और विभिन्न प्रकार की पुस्तकों में अलग अलग सन दिए हुए हैं, फिर भी एक बीच की जो सन जो ज्यादा पुस्तकों में मिला वो मैंने निकाल के यहाँ रखा है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, ठीक है, और यामा, यामा तो आपको पता ही है, अतीत के चलचित्र इनके रेखा चित्र और स्मृति की रेखा, ये आपको याद रख लेना है दोस्तों, कौन सा रेखा चित्र है इस प्रकार से पूछा, निम्न में से बताइए कौन सा रेखा चित्र है, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखा ये रेखा चित्र है, पथ के साथ ही, मेरा परिवार, है ना, संस्मरण ये क्या है, ये संस्मरण है इनके, चुने हुए संभाषणों, श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य इनके निबंध है, ललित निबंध है छड़दा और कहानियां गिल्लू है, ये याद रख लेना है, है ना। बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे मूर्धन आलोचकों ने उनकी वेदना और अनुभूतियों की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे समीक्षक उनके काव्य को समष्टि परक मानते हैं। प्रभाकर मनीषी का मानना है कि जो लोग उन्हें पीड़ा और निराशा की कवित्री मानते हैं वे यह नहीं जानते कि उस पीड़ा में कितनी आग है जो जीवन के सत्य को उजागर करती है। इसी प्रकार चीन के आक्रमण के प्रतिवाद में हिमालय नामक इन्होंने काव्य संग्रह का संपादन किया और यह संकलन उनके युग बोध का प्रमाण माना जाता है। दोस्तों बात करते हैं इनके पुरस्कार से संबंधित, तो उन्हें प्रशासनिक, अर्ध प्रशासनिक और व्यक्तिगत सभी संस्थाओं में पुरस्कार सम्मान मिले हैं।
है ना। 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और यामा के लिए तो 1982 में क्या ही गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार से, तो वो भी आप याद रखें। और इनके नेक्स्ट देखें कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1952 में वे उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य मनोनीत की गई। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि दी 1956 में। 71 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली वे पहली महिला थी। 1988 में उन्हें मरणोपरांत भारत की पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया गया, ये चीज आपको याद रखनी है। सन 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय, 1977 में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय तथा 1984 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने उन्हें डीलिट की उपाधि भी प्रदान की। इससे पूर्व महादेव वर्मा को नीरजा के लिए 1934 में सैक्सरिया पुरस्कार भी मिला। 1942 में स्मृति की रेखाएं के लिए द्विवेदी पदक प्राप्त हुए। यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें 1982 में सर्वोच्च साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार भी 1982 में मिला, और उन्हें अंतिम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के लिए कोई किसी अंतिम रचना के लिए मिला तो वो यामा के लिए मिला। और ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, महादेवी वर्मा को कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किस रचना के लिए मिला, इस प्रकार से पूछा गया है। वे भारत की 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में भी शामिल हैं। 1968 में सुप्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार मृणाल सेन ने उनके संस्मरण वह चीनी भाई पर एक बंगला फिल्म का निर्माण किया था जिसका नाम था नील आकाशेर। 16 सितंबर 1911 को 1991 को भारत सरकार के डाक तार विभाग ने जयशंकर प्रकाश के साथ उनके सम्मान में 2 रुपए का एक युगल टिकट भी निकाला। यद्यपि महादेवी ने कोई उपन्यास कहानी या नाटक नहीं लिखा तो भी उनके लेख निबंध रेखा चित्र संस्मरण भूमिकाओं और ललित निबंध में जो गद्य लिखा है वह श्रेष्ठतम गद्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी जो रचनाएं हैं उनको देखा, इनको जो पुरस्कार मिले उनको देखा, इन्होंने जो विशेष काम किए उनको देखा, और जो तथ्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित सारे के सारे तथ्य को यहाँ पर संकलित किया गया। और अगर आपको कहीं कंफ्यूजन लगता है रचनाओं के सन के बारे में, क्योंकि हमेशा ही सन में कंफ्यूजन रहता है, उसमें आप कमेंट के माध्यम से बताएं, अपन डिस्कस करके और भी उसका जो रास्ता है वो निकालेंगे। वैसे तो जो है बहुत ही संशोधित करके इनकी रचनाओं को निकाला गया है, इनके जन्म को निकाला गया है, जन्म क्रम भी हमें याद रखना है। 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, 11 सितंबर 1987 इलाहाबाद को इनकी मृत्यु हो गई। तो महादेवी जी के बारे में हमने इतनी सारी सारी की सारी जानकारी याद रख ली। और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन तो एक आसान सा पूछ लिया जाता है कि किस कवित्री को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, तो महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा की यामा से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनको थोड़ा सा आपको याद रख लेना है महादेवी जी के बारे में। इससे पहले जयशंकर प्रसाद के महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने याद कराया था आपको, सारी की सारी रचनाओं को याद कराया था, वो आप सभी याद करना है, महादेवी वर्मा जी के बारे में भी याद करना है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, कहीं कंफ्यूजन है तो जरूर पूछेंगे कमेंट के माध्यम से। और आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो निरंतर अपलोड हो रहे हैं वो भी सभी देखते रहें आप, इसी तरह से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर आपको दबाना है। अब वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।